नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आंचल और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपराधी हुए बेलगाम, एटीएम से पैसे निकालकर बाहर निकले व्यक्ति से छिनतई का प्रयास। 27 मार्च को बैंकों में देशव्यापी हड़ताल, कर्मियों ने जमकर की नारेबाजी। कोरोना वायरस के मद्देनजर टाटा मोटर्स में बायोमेट्रिक्स पद्धति पर हाजिरी बंद। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कार्यशाला का आयोजन। और मार्च के माह में 90 mm बारिश, 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा। अब खबरें विस्तार से। शहर में अपराधियों का बोलबाला है। यदि आप एटीएम से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो सावधान। एक तो हैकरों का डर, यदि आप हैकरों से बच भी जाएं तो बाहर छिनतई गिरोह आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, ताज़ा मामला भालूवासा स्थित SBI ATM के निकट का है। यहाँ ATM से पैसे निकाल कर निकले युवक पर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने हमला कर छिनतई का प्रयास किया। हालांकि वे अपने इरादों में सफल नहीं हो पाए और भागने लगे, मगर आसपास के लोगों ने खदेड़ कर दो बदमाशों को धर दबोचा, मगर तीसरा फरार होने में सफल रहा। इस उठापटक में युवक घायल हुआ है। इस घटना से लोग परेशान हैं कि आखिर सुरक्षा कहाँ है। हम लोग पैसा निकाल के जा रहे हैं, मैंने निकाल भालूवासा से। क्या चीज़ का ATM था? SBI का निकाल के हमने दारू पिया हुआ था। गाड़ी हम लोग लड़ा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर बैंक कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को 27 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा के साथ कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक कर्मियों का आंदोलन जारी है। इसी क्रम में 27 मार्च को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10 बैंक के विलय के सरकारी निर्णय का उन्होंने जमकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की। लेना होगा। शेड्यूल था, हम लोग ने 27 मार्च को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन दोनों मिलके 27 मार्च का एक ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल दिया हुआ है। और इसका मुख्य मांग ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि बैंक ने जो मार्जर की नीति बैंक सरकार ने अपनाया है, उस मार्जर की नीति वापस लिया जाए। कोरोना वायरस को देखते हुए टाटा मोटर्स ने एहतियातन बायोमेट्रिक्स पद्धति से हाजिरी पर फिलहाल रोक लगा दिया है। कोरोना वायरस के मरीज अब देश में भी मिलने लगे हैं। हालांकि अभी उनकी संख्या इतनी कम है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। टाटा मोटर्स प्रबंधन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियातन कर्मचारियों के बायोमेट्रिक्स हाजिरी पर रोक लगा दी है। फिलहाल कुछ समय तक अब कर्मचारी अपने गेट पास के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हालांकि जमशेदपुर में अभी कोरोना वायरस का कोई संदिग्ध मरीज नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया में अफवाहें उड़ती रही, पर टाटा स्टील कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन ने इसका खंडन किया है। बिष्टुपुर स्थित SNTI सभागार में नशा जागरूकता अभियान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा किया गया। वैसे राज्य भर के 12 चयनित जिलों में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि युवा वर्ग नशे से दूर रहे और इसके दुष्प्रभाव से अवगत हो सके। इसके अलावा जो ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं, उन्हें अब काउंसलिंग के जरिए मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 2, जो भी ड्रग के नुकसान है वो सारे नुकसान टैबेको के अंदर है, क्योंकि एम्स की एक स्टडी के मुताबिक हर साल करीब 12 लाख लोग। ये ड्रग्स रेवेन्यू कैंपेनिंग है, एक दिन का ड्रग्स रेवेन्यू कैंपेनिंग में हम लोग यूथ को लेकर चल रहे हैं, जो आज नशे में ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ जो घूमता जा रहा है उसका लत लेते जा रहा है, इसको लेके काम हो रहा है। ये पूरे झारखंड में 12 जिलों में चलाया जा रहा है और ख़ास करके रांची और जमशेदपुर को ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा यूथ का है और यहाँ पर शहरी इलाका होने से ज़्यादा जो नशा है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया है, ड्रग्स के ऊपर है, जो कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में ड्रग्स जो है वो हम सभी को कहीं ना कहीं मारते जा रहा है, मार रहा है। और युवा जो है
वो इस चीज़ से और ज़्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र द्वारा ये प्रोग्राम अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, जो अच्छा लग रहा है। जो हमारे स्पीकर आए हुए हैं वो बहुत अच्छा बात अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, जिसे हम लोगों को शायद फ़ायदा हो। और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इस प्रोग्राम को देखें और समझें और अपनी लाइफ में उसे। मार्च के महीने में घुमड़ते बादल और झमाझम बारिश ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस माह में सबसे ज़्यादा 90 mm बारिश हुई है। मार्च के माह में मौसम का ये मिजाज देख लोग हैरत में हैं। उमड़ते घुमड़ते बादल और झमाझम बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो अभी 15 मार्च यानी अभी और 3 दिनों तक मौसम का मिजाज यही रहेगा और रुक रुक कर बारिश होगी। आंकड़ों पर नज़र डालें तो बारिश ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान में भारी गिरावट के साथ ठंड का एहसास भी होने लगी है। चांडल मुख्य सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि राहगीर काफ़ी परेशान रहते हैं। ताज़ा मामला तब देखने को मिला जब बारातियों से भरी बस बीच सड़क पर गड्ढे में फंस गई। चांडल मुख्य सड़क की दशा नारकीय हो गई है। बारिश की वजह से गड्ढे बड़े हो गए हैं और आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। गुरुवार को टाटा से बंगाल की ओर जा रही बारातियों से भरी बस सड़क के बीचों बीच गड्ढे में फंस गई। बारातियों को बीच सड़क पर उतारना पड़ा और जब तक पोकलेन की मदद से बस को निकाला जाता, सड़क मार्ग घंटों अवरुद्ध रहा। ब्रह्मपुर से टाटा चढ़ना जाती जा रहे थे, वहाँ से रिटर्न खाने का आने का टाइम है। हम लोग को रोड पे इतना हमारा गड्ढा है, इस गड्ढा में हम लोग गाड़ी चलाने का मतलब जगह नहीं रहा। MGM अस्पताल के भीतर एक अरसे से आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई थी और अस्पताल आने वाले लोग इनसे भयाक्रांत थे, मगर अब प्रबंधन ने इन कुत्तों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। MGM अस्पताल में आवारा कुत्तों के जमावड़े की शिकायत लगातार मिल रही थी। अस्पताल आने वाले लोग कुत्तों के झुंड से भयाक्रांत हो रहे थे, मगर अस्पताल प्रबंधन ने अब वहां की सुधि कर ली है। गुरुवार को जुस्को की मदद से इन आवारा कुत्तों को परिसर से बाहर खदेड़ दिया गया। टाउन ऑफिस मतलब हम लोग ने बात की थी कि MGM अस्पताल के अंदर कुछ आवारा कुत्ते से बहुत ज़्यादा हो गई है। उन्होंने बोला था कि मैं आता हूँ, जितना मदद कर रहा है करूँगा। पकड़ के कुछ को ले गए हैं, मालूम चला है। हाँ, कुछ तो सुधार आई है और भी जो बचे हैं वो फिर मतलब कि वो लोग आएंगे। सरजामदा से आए ग्रामीणों ने निदरटोला स्थित AGL मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग जिला प्रशासन से की है। सरजामदा से आए ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से उक्त भूखंड का उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्कूल के लिए होता आया है, पर भूमाफियों द्वारा यहां मंदिर बनाने और जमीन पर कब्जा का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग आए विशेषकर हमारा AGL ग्राउंड एक है सरजामदा में, जो बहुत बड़ा खेल मैदान के रूप में विख्यात है और उसमें से खेल के जो है हमारे नेशनल लेवल तक फुटबॉलर और हॉकी भी प्लेयर्स भी जो है वहाँ पर निकल चुके हैं खेल के। और उसपे फिलहाल का स्थिति ये है कि कुछ लोग जो है धार्मिक आड़ ले करके वहाँ जो है हनुमान जी को स्थापित कर रहे हैं, मंदिर बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोग किनारे से जमीन का अपने अतिक्रमण पे लगे हुए हैं, घर बना रहा है। टाटा चांडल मार्ग में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। टाटा से चांडिल की ओर शहरबेड़ा के पास ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हो गई। दोनों घायलों को लोगों ने MGM अस्पताल पहुंचाया, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जिसको श्रमिक यूनियन की वार्षिक आम सभा 14 मार्च को होना है, हालांकि अभी चुनावी विगुल नहीं बजा है, पर तैयारियां जोरदार ढंग से चल रही है।
वर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने अपनी 3 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी टीम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मालूम हो कि जिसको श्रमिक यूनियन का चुनाव बहुत हंगामा खेज होता है और विपक्षी खेमा भी तैयारियों में जुटा है। दिन शनिवार को जुस्को ग्रीन लॉन में AGM होने जा रहा है। सभी मेंबरान से जुस्को का रिक्वेस्ट है कि वो 2 बजे आकर रजिस्टर में आकर हस्ताक्षर करें और 4 बजे AGM में भाग लेंगे। कॉप्शन अकाउंट्स पिछला जो हम लोगों ने कार्यक्रम जो किया, जो उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में चर्चा करें। अभिभावक संघ ने सोनारी स्थित प्रणव चिल्ड्रन वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल पर RTE कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से शिकायत की है। प्रणव चिल्ड्रन वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल का संचालन भारत सेवाश्रम संघ द्वारा किया जाता है। इस स्कूल में अभिवंचित वर्ग के 14 बच्चों के नामांकन होने थे, पर स्कूल प्रबंधन ने मात्र 10 बच्चों का नामांकन करने के बाद टामटोल की नीति अपना ली है। सर, हम इंग्लिश सोनारी में प्रवेश कक्षा की कुल 10 आरक्षित सीट के लिए 14 बच्चों के नामांकन के लिए एडमिशन फॉर्म गए थे। स्कूल द्वारा क्रमवार तरीके से एक एक बच्चों का नाम कॉल करते हुए 9 बच्चों का स्कूल द्वारा नामांकन लिया गया और एक सीट जो खाली बचा हुआ था उस पर 2 दावेदार के खड़े हो जाने के बाद स्कूल ने फिर से नए सिरे से एक सीट के लिए लॉटरी कराने की जगह शेष अभिभावकों के बीच में सभी बच्चों को फिर से उसमें शामिल किया लॉटरी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन अनुशासन के साथ पठन पाठन में अव्वल, हर वर्ष 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड, वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, नर्सरी से प्लस टू तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित। गायत्री शिक्षा निकेतन, रोड नंबर 4, आदित्यपुर 2, नियर 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल। सक्सेस स्टेप्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड personality development. You can change your life. Training includes English speaking and fluency development, easy way to learn English grammar, public speaking, English communication, skill development, personality development, चाइल्ड एंड पेरेंट काउंसलिंग। मेरा सारा डर खत्म हो गया। मैं जितने भी मतलब डरती थी इंटरव्यू के टाइम पे, कहीं जाने में, किसी के फेस करने में, किसी का सामना करने में, बट जब से मैं यहाँ आई हूँ, 1 महीना हुआ मुझे आए, मेरा सारा डर खत्म हो गया। मैं अब कहीं भी खड़े होकर कितने भी अच्छे से बोल सकती हूँ, किसी भी इंसान के सामने कहीं भी इंटरव्यू हो, चाहे वो बड़े से बड़े जगह पर क्यों ना हो, मैं आराम से बोल सकती हूँ। मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर आके इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट यहाँ मिला मुझे कि अब एकदम पावर आ गया है कि कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकूं यहाँ से निकलने के बाद। और सैकड़ों बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं यहाँ से और बहुत अच्छे जगह टाटा स्टील वगैरह कंपनियों में उनका प्लेसमेंट हुआ है। बेसिकली हम ये समाज में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बिना कम्युनिकेशन स्किल के आपको जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि डिग्री से कभी जॉब नहीं होता है। अगर आपके पास डिग्री है और कम्युनिकेशन स्किल और ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी नहीं है तो आप जॉब नहीं पा सकते। एडमिशन ओपन, Hurry up, you can change your life. Address, near Kamal School, Bal Vihar, Sonari, Jamshedpur. Mobile number 700-491-2948. 9031-977-274. Email address, kumariusha00@gmail.com. Indian Bakery,
Specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए। अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।